देखिए, आज का सेशन आप लोगों का बारकोड का सेशन है। लास्ट क्लास के अंदर हमने अपना जो बारकोड कवर करा था वो बारकोड था हमारा मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बारकोड। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ये जो बारकोड आपने यूज़ करा था वो बारकोड बिल्कुल प्लेन बारकोड था और ना ही उसका कोई रेलिवेंट यूज़ होता है। ये बारकोड उस जगह यूज़ होता है जहाँ बीजी का लो क्लास बारकोड हो या बीजी का मॉडल हो। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बारकोड में होता क्या है, ये चिट का काम करता है। ओनली किसका काम करता है, ये चिट का काम करता है और कोई दूसरा काम नहीं करता। आज जो हम बारकोड आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं ये बारकोड बीजी का टॉप क्लास बारकोड में से एक है और इसे हम लोग कहते हैं पैरामीटर बारकोड। अगर मैं आपसे अगर आप मुझसे पूछो कि सर बारकोड की अगर परसेंटेज बांटी जाए तो मास्टर ये वाला जो बारकोड आज हम सीखने जा रहे हैं बारकोड नंबर 2 पैरामीटराइज बारकोड, ये मार्केट में 60% यूज़ होता है। 10% मास्टर कॉन्फ़िगरेशन, 60% ये, और 30% आपका एक और यूज़ होता है जिसका नाम है बारटेंडर। टोटल मिलाकर 100% आपकी रेशियो आ गई। जो आज आप सीख लोगे फ्यूचर में इससे रिलेटेड ही आपको काम करना। तो ये बारकोड बेसिकली होता क्या है, आपने कई तरह के फॉर्मेट देखे होंगे मार्केट में, बारकोड के फॉर्मेट निकलते हैं और हमने लास्ट क्लास में इस तरीके का एक बारकोड का फॉर्मेट भी आपको बनवाया था। बारकोड बेसिकली क्या होते हैं, किसी एक प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं। लेकिन अब तक हमने जो भी बारकोड सीखे थे उन बारकोड का क्या प्रॉब्लम थी, वो बारकोड स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे थे। लेकिन आज जो हम बारकोड सीखेंगे वो क्या करेगा, स्टॉक मेंटेन करेगा। उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन फीचर ऑप्शन, आज जो बारकोड है वो है पैरामीटराइज बारकोड। क्या नाम है, पैरामीटराइज बारकोड। आप सबसे पहले कहाँ आएंगे, पैरामीटराइज बारकोड पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप सभी जानते हैं पैरामीटर का यूज़ होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। आप सभी जानते हैं पैरामीटर का क्या यूज़ होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। मैंने यहाँ 3 इन्फॉर्मेशन मांगी, कितनी इन्फॉर्मेशन मांगी, 3। मैंने कहा सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, कलर चाहिए, फिर मुझे क्या चाहिए, साइज चाहिए, और फिर रोल नंबर चाहिए। ये हर बार चेंज आता है रोल नंबर, कलर हमेशा फिक्स आता है। आप सभी जानते हैं जो ओपन होता है वो होता है चेंजेबल, मतलब आप उसे चेंज कर सकते हो, ठीक, सॉरी ओपन मतलब चेंज कर सकते हो, और प्री डिफाइंड मतलब होता है कि आपकी जो बने आप वही यूज़ कर सकते हो। तो कलर मैंने डाल देता हूँ रेड, येलो, ग्रीन, वाइट, हाँ फिक्स कर रहे हैं। साइज चाहो तो आप फिक्स कर सकते हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, क्लियर, और सेव। जैसे ही आप सेव करोगे तो नीचे आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है जनरेट बारकोड। जैसे ही आप जनरेट बारकोड पर क्लिक करोगे आपके तुरंत बाद मिलेगा एक डिफ़ॉल्ट BCN जनरेशन मोड। ये हमेशा क्या रहता है, ऑटोमेटिक, क्या रहता है ये हमेशा, ऑटोमेटिक, क्या रहता है ये हमेशा, ऑटोमेटिक। आप इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, क्या रहेगा ये आपका, ऑटोमेटिक रहेगा। बैठिए, हाँ कोई नहीं बैठिए, आप अभिषेक चेयर दे देना इनको, आंटी बैठिए आप। यहाँ पर आप जनरेट बारकोड पर क्लिक करेंगे, जैसे आप जनरेट बारकोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिलता है डिफ़ॉल्ट BCN जनरेशन मोड, ऑटोमेटिक रहेगा। इसके बाद आप जो नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे वो है स्पेसिफाई BCN जनरेशन बेसिस, हमेशा आपको कंटिन्यू रखना है, क्लियर है। इसके बाद आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब होता है जो किसी वर्ड के आगे लगता है। आपने कई बार देखा होगा लोगों का जब बिल बनता है तो बिल का फॉर्मेट ये रहता है T/1920 या T/2021, T/20, T/21 और T/22। ये प्रीफिक्स है, मतलब ये चेंज नहीं होता, बाकी सब क्या रहता है, चेंज होता है। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ वर्ड डालना है तो आप चेंज कर देते हैं। बहुत से लोग अपनी कंपनी का नाम डाल देते हैं, क्लियर। उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फॉर बारकोड नंबर। जो बारकोड का जो नंबर होता है ना उसके कितने कैरेक्टर चाहिए। अगर आप इस प्रिंटर को बड़ा करके देखेंगे तो इसके नीचे क्या है, यहाँ तो
लेबल प्रिंटर पार्टनर आ रहा है, कई बार क्या होगा यहाँ पर ना बारकोड नंबर आता है, क्या आता है बारकोड नंबर, तो बारकोड नंबर का साइज पूछ रहा है कि बारकोड नंबर का साइज कितना होना चाहिए। इसके अंदर नहीं है तो बारकोड का साइज है, तो आपका जो भी बारकोड का साइज है आप रख दो, मिनिमम 5 कैरेक्टर का है और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर। मिनिमम कितना डाल सकते हो 5 कैरेक्टर और मैक्सिमम 15, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है वो 15 नंबर तक किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकता है, उसके बाद आपको सुपर कंप्यूटर की नीड होती है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो लोग नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ नहीं करते, वो सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू डेसिमल में भी बहुत बड़ी आती है और वो हर वैल्यू का एक मतलब होता है उनके लिए, इसलिए वो कौन सा कंप्यूटर यूज़ करते हैं सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जिसके अंदर 15 कैरेक्टर से ज़्यादा भी वैल्यू को क्या किया जाता है यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपको मिनिमम मैंने 6 कैरेक्टर डाल दिए, कह रहा है जो बारकोड निकलेगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, अल्फ़ा प्लस न्यूमेरिक होगा या फिर न्यूमेरिक होगा, तो हमने क्या डाल दिया अल्फ़ा प्लस न्यूमेरिक, बेसिकली न्यूमेरिक होता है आप न्यूमेरिक डालकर सेव कर। और अभी कुछ नहीं करना, मैं आपको टॉपिक 2 मिनट में बताऊंगा, इसके बाद आप इस टॉपिक को सेव करेंगे और फिर सेव करेंगे। जैसे ही आप इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करेंगे और बीजी के अंदर किसी भी परचेज की एंट्री को करेंगे, आइए मैं यहाँ पर बीजी की एक एंट्री परचेज की एंट्री पास करता हूँ, मैंने यहाँ डिकोए नैरो शर्ट बनाई है, और देखो जैसे ही मैं यहाँ टॉपिक डालूंगा मैंने यहाँ कलर रेट डाल देता हूँ, 1200 सेल प्राइस है, 1100 परचेज प्राइस है, और यहाँ आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम क्या होता है पैरामीटराइज्ड रेट है, और आप सभी जानते हैं जो टॉपिक मैंने वहाँ से अनेबल करा तो यहाँ टॉपिक आ गया, वो आ गया, कहता है कलर, मैंने कहा सर कलर रेड है, साइज इसका 10 है और रोल नंबर 1 है, कितनी पीस है इसके अंदर 4 पीस है। सर ग्रीन कलर की जो मेरे पास आइटम है उसका साइज नंबर 11 है, रोल नंबर 2 है और पीस 2 है। मेरे पास सर जो वाइट है उसका नंबर 8 है और कलर नंबर रोल नंबर 8 है और पीस 2 है, और यहाँ पर अगेन कलर नंबर येलो है 6 है और नंबर 11 है और कितनी 2 पीस, देखो अपने आप आ गया। लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो चार पीस का बारकोड नंबर 1 है, 2 पीस का बारकोड नंबर 1 है, 2 पीस का बारकोड नंबर 1 है और 2 पीस का बारकोड नंबर 1 है। ये अगर मतलब चार हैं, चार बारकोड निकलेंगे और चार आइटमों पे लगेंगे लेकिन नंबर क्या है एक ही है, नहीं स्टिकर नंबर, मैंने चार बारकोड निकाले चार पीस पर लगा दिए अलग अलग, बारकोड नंबर तो एक ही है ना सर, चार पीस पर लगा वो बात डिफरेंट है लेकिन बारकोड नंबर एक है ना। आप चार जगह पार्ट टाइम जॉब करते हो, एक ही बंदा तो जॉब कर रहा है पार्ट टाइम ना, आपका फ़ोन नंबर तो एक ही होगा चारों के पास, वैसे ही सेम यहाँ पर। लेकिन देखिए सर अगर गारमेंट लाइन हो तो ये टॉपिक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि गारमेंट लाइन में चल जाता है कि एक तरह की आइटम है तो उस पर एक ही नंबर लगा दिया। लेकिन जहाँ पर इलेक्ट्रिकल आइटम आ जाती है जैसे कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप, उन सभी का बारकोड नंबर अलग होता है। आई थिंक मेरे पास ये जो फ़ोन है इसका क्या नंबर होता है EMI नंबर क्या होता है अलग होता है, आपके फ़ोन का अलग होगा, तो हर आइटम का अलग होगा। अगर ये 100 पीस बनेंगे सब भी 100 पीस का क्या होगा अलग होगा, तो उस केस के अंदर हमें हर चीज़ का अलग नंबर चाहिए, तो आप कॉन्फ़िगरेशन इन्वेंट्री के अंदर से आप इस टॉपिक को अनेबल कर देंगे जिसका नाम है यूनिक BCN जनरेशन फॉर ईच क्वांटिटी। जैसे ही आप इस टॉपिक को अनेबल करेंगे बीजी के अंदर, अब आप जो भी आइटम बनाएंगे, मैं सपोज़ एक और आइटम यही आइटम आपको दिखाता हूँ, अब अगर इस आइटम को आप दोबारा F9 करके हटा देंगे और दोबारा लिखेंगे रेड साइज 10 कलर 1 4 पीस, बारकोड नंबर नहीं आया, फिर ग्रीन 11 2 पीस, फिर था वाइट 6 8 2 पीस एंड येलो 8 11 और 2। देखो जैसे ही सेव करूंगा एक मैसेज आएगा अलर्ट यूनिक BCN फॉर ईच क्वांटिटी, जैसे ही अलग करूंगा तो हर बार कोड का नंबर अलग हो गया 6 7 8 5 6 7 8। देखो रेट के कितने नंबर आ गए, चार आइटम है, चारों को बारकोड नंबर क्या है
अलग है, ठीक है। अब इसे आप क्या कर दोगे, सेव कर दो। तो ये आपके पास दोनों टॉपिक डिपेंड करते हैं कि आपको किस तरीके से यूज़ करना है। अगर आप ऐसे जगह काम कर रहे हो जहाँ पर चारों का ही एक ही बारकोड नंबर है तो यूनिक वाले पर क्लिक मत करो। इसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। अब हमने सेव कर दिया, क्लियर। अब हमें इसका बारकोड बनाना है। क्या बनाना है, बारकोड जो अपनी आइटमों पर लगा सकें। उसके लिए आप कहाँ जाओगे, एडोन पर आओगे। जैसे आप एडोन पर आओगे आपके पास एक मैसेज आएगा जिस मैसेज पर लिखा होगा बारकोड प्रिंटिंग अ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड। इस मैसेज का ये मतलब है अभी जो आप बीजी के बारकोड को अनेबल कर रहे हो इसके लिए आपके पास दो बारकोड होने चाहिए, दो बारकोड बीजी डोंगल होने चाहिए। एक बारकोड, एक डोंगल क्या काम करेगा, अकाउंटिंग का काम करेगा, और दूसरा डोंगल क्या काम करेगा, बारकोड का काम करेगा। जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि आप जो जब भी बारकोड प्रिंट करेंगे तो आपके लिए आपके पास दो बारकोड होने चाहिए, एक बीजी का होना चाहिए और दूसरा आपका बारकोड का होना चाहिए। इसके बाद इसको क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो टॉप पर मिलेगा कन्फिगर बारकोड लेबल, यहाँ जाना है और आपको जो भी फॉर्मेट का नाम बनाना है वो बनाना है। मैंने लिख दिया 50x38 या 32x34, ये साइज है 30x50, 60x60, जो भी हो आप वो ले लो। अगर आपको कोई नाम चेंज करना है तो कहाँ होगे, मॉडिफाई पर। अगर कोई नाम को डिलीट करना है तो कहाँ जाओगे, डिलीट के लिए। और आपको जो भी कॉन्फ़िगर करना है फिर आप कहाँ होगे, कॉन्फ़िगर। उसके बाद टॉप पर मिलेगा बारकोड शीट कॉन्फ़िगरेशन द फॉर्मेट ऑफ 60x60, ये फॉर्मेट का नेम आ गया। उसके बाद पिक बारकोड फ्रॉम वैल्यू, कहाँ से पिक करना है बारकोड, फ्रॉम बीजी या फ्रॉम एक्सेल, तो मैंने क्या कर दिया, फ्रॉम बीजी। उसके बाद बारकोड टाइप, मैंने लास्ट क्लास में बताया था अगर आप मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बारकोड बनाते हैं, कौन सा बारकोड बनाते हैं, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बारकोड, तो आप हमेशा क्या लोगे, आइटम ओनली। क्या लोगे आप हमेशा, आइटम ओनली। क्या लोगे हमेशा, आइटम ओनली। साजिद क्या लोगे, आइटम ओनली। क्या लोगे आप, आइटम ओनली। फिर क्या, अगर आप पैरामीटराइज बनाओगे तो क्या लोगे आप, पीसी। उसके बाद सिलेक्ट शीट टाइप, हमेशा आप क्या रखोगे, कस्टम। क्या रखोगे हमेशा, कस्टम। उसके बाद सिलेक्ट स्किल मोड ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का साइज़ क्या है, मिलीमीटर में या इंचिस पर। हमने लास्ट क्लास में आपको बारकोड का साइज़ बताया था, बारकोड रोल या लेबल साइज़। आप देखोगे तो बारकोड के अलग अलग लेबल्स आते हैं, ये आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बारकोड के लेबल्स हैं। आपको जो भी लेबल चाहिए वो निकाल सकते हैं। ये लेबल कौन सा है, 38x25, और आगे MM का मतलब क्या है, मिलीमीटर। क्लियर है, तो आप इसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को। तो मैंने मान लो हमारा जो साइज़ है वो मिलीमीटर है तो मिलीमीटर, अगर इंचज़ हो तो इंचज। सेट प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन, हमने क्या बताया था इसके लिए कौन सा प्रिंटर आता है, हमने बताया था इसके लिए एक प्रिंटर आता है, ये प्रिंटर आता है जो बारकोड के लिए स्पेशली प्रिंटर आता है, ठीक है। ये प्रिंटर किस लिए डिज़ाइन किया गया है, बारकोड के प्रिंटर के लिए डिज़ाइन किया गया, ठीक है। दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत, ये हमारे पास होता बट हमारे सिस्टम में भी है नहीं तो इसलिए वो शो नहीं कर रहा। इसके बाद प्रिंटर ड्राइवर आप हमेशा क्या रखोगे, विंडो। डॉस 1990 में चलती थी, अब नहीं चलती, अब विंडो का ज़माना है, विंडो चलती है। अब सिलेक्ट पेपर टाइप, देखिए अगर आप पेपर टाइप की बात करें, अगर कट शीट लिखोगे तो कट शीट का मतलब क्या होता है, आपने यहाँ पर लिख दिया A4 साइज़, ये पूरा A4 साइज़ है, क्या ये आपका A4 साइज़ है, ये पूरा A4 साइज़ है। आप इसके अंदर बारकोड निकालना चाहते हैं, एक लाइन में 4 बारकोड, तो पूरे पेज में कितने, 16 आएंगे, कितने आएंगे, 16 बारकोड एक पेपर पे निकल के, फिर कैची लोगे, कटिंग करोगे, वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो लोग क्या करते हैं, क्या परचेस कर लेते हैं, ये रोल परचेस कर लेते हैं, और प्रिंटिंग इस पर होती जाती है, रोल प्रिंटिंग होती जाती है, रोल स्क्रॉल करता रहता है, करता रहता है, आपको जितना चाहिए फाड़ते रहिए। तो आप हमेशा क्या रखोगे इसके अंदर, कंटिन्यू रोल। इसके बाद नंबर ऑफ लेवल इन वन रो, एक रो पे आपको कितने बारकोड चाहिए, जैसे ये कितने पीस बारकोड है, 2 पीस बारकोड, एक लाइन में कितने हैं, 2, अगर 1 पीस होते तो कितने लगते हैं, 1। तो आप यहाँ देख सकते हैं बारकोड के लेबल हैं, जैसे ये 2 पीस है, ये 1 पीस है, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए।
जैसे कि टू पीस है, ये फोर पीस है, ये देखिए ध्यान से, ये वन पीस हो गया पूरा एक है, ये टू पीस हो गया और ये थ्री पीस हो गया। अगर थ्री पीस होगा तो क्या कर दूंगा, थ्री कर दूंगा, और अगर टू पीस होगा तो क्या कर दूंगा, टू। उसके बाद जो भी मेरे पेपर का साइज है, हाइट 60 और विथ भी 60, तो ये प्रिंट पेपर अपने आप डिज़ाइन हो जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपने लिखा 50x50, तो ये भी अपने आप 50x50 हो जाएगा, हमें करने की ज़रूरत नहीं। आपने लिखा 30x50, तो आप यहाँ 30x50 कर लोगे, ठीक है। तो आपको जो रखना है वो रख सकते हैं। आपने कहा 15x50, तो यहाँ 15x50 आ जाएगा, उसी का साइज है। हमारा क्या है, 60x60, क्लियर। इसके बाद देखिए, जो पैरामीटराइज बारकोड होता है वो बाई डिफॉल्ट बना हुआ आता है, हमें बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन क्या होता है, किसी चीज़ का लुक भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आपका बिल का साइज़ या आपका फॉर्मेट क्या है, क्योंकि ये जो स्टिकर है ना, ये किसी भी चीज़ की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। जब आप मॉल में कोई चीज़ परचेज करने जाते हो तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा होता, आप पैंट खुद परचेज करते हैं उसके पीछे स्टिकर देख के। आप बाटा शोरूम में चले जाइए, हर आइटम के साथ स्टिकर लगा होता है, साइज़ बना होता है। क्यों करते हैं वो लोग ऐसा, क्योंकि वो किसी को अपने साथ खड़ा करके आपको बताए नहीं है कितने रुपए का है, तो आप कर सकते हो, लेकिन इसका लुक बड़ा मैटर करता है। हमने इस सबको डिलीट कर दिया। अब मैंने क्या करा, आइटम के नेम को उठा के ऊपर रखा और इसको थोड़ा सा खींच दिया ताकि अच्छा सा लुक दे। आइटम नेम का मतलब होता है कि जो भी आप आइटम का नाम डालोगे अपने आप चेंज कर लेगा। मैंने आपको लास्ट टाइम चार चीज़ें बताई थी, बारकोड टाइप, डाटा फील्ड, इमेज और प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट वो चेंज कैरेक्टर होता है जो कभी चेंज नहीं होता। आपने लिख दिया तो लिख दिया, आपने लिखा नॉट फॉर सेल तो वो कभी चेंज नहीं होगा। तो आपको कोई ऐसा वर्ड लिखना है जो नॉन चेंजेबल है तो आप क्या लिखोगे, प्लेन टेक्स्ट। लेकिन अगर कोई चेंज कैरेक्टर तो आप क्या लिखोगे, डाटा फील्ड। अगर किसी की इमेज लगानी तो क्या सिलेक्ट करोगे, इमेज। और अगर बारकोड चाहिए तो क्या करोगे, बार। हमारे केस में क्या है, आइटम, तो आप क्या कर दोगे, आइटम। यहाँ क्या लिखा हमने, आइटम का नेम। उसके बाद यहाँ से फॉन्ट हमेशा क्या रखोगे, थॉमा। बोल्ड क्या रखोगे हमेशा, 15। तो ये देखिए बड़ा। उसके बाद अब इसको उठाइए, यहाँ रख दीजिए, थोड़ा बड़ा कर दीजिए ताकि लुक अच्छा दे। बाकी सब चीज़ ओके है, इनके साइज़ को सिलेक्ट कर लीजिए, कितना, 7। ये सेंटर में इसको लेफ्ट कर दीजिए ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, आप साइज़ बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये उठा के रख दो। पता है पहला प्राम, ये जो ये प्राम लिखा है इसका मतलब पैरामीटर 1 है, ठीक है। इसके बाद इसको उठाओ, इसको भी कर दो सेंट लेफ्ट, थोमा, बोल्ट और कितना था, 10, क्लियर। उसके बाद तीसरे वाले को भी उठाओ और नीचे रख दो, इसको भी क्या कर दो, लेफ्ट, थोमा, बोल्ट और 10, क्लियर। एमआरपी को उठाओ और यहाँ रख दो। एमआरपी को ज़्यादा बोल्ड मत करना, इसको लेफ्ट ही रखो, लेकिन साइज़ उसका नॉर्मल 6 या 8 रखना। कई बार लोग एमआरपी को ज़्यादा बड़ा भी मांगते हैं, आप बड़ा भी दिखा सकते हैं, मैंने 7 रखा, ठीक है। अब बारकोड को यहाँ रख दीजिए, क्लियर। बारकोड को सिलेक्ट करना और यहाँ पर ये डालना। जो दो चीज़ याद रखना, यहाँ देखिए हमारी कोई डॉट नहीं मिल रही, डॉट ऊपर नीचे भाग रही है, तो इसकी डॉट को थोड़ा आगे बढ़ा दो, ठीक है। ज़्यादा आगे बढ़ गई तो हमें इसको थोड़ा पीछे करना है, परफेक्ट है या 19:20 है, ठीक है। देखिए हमें ऊपर नहीं, मतलब हमारा प्रीव्यू कैसा आ रहा है ये हमारे लिए मैटर करता है। आ जाओ साइज को भी बढ़ा दो थोड़ा, एमआरपी को उठा के यहाँ रख दो, बारकोड के साइज को थोड़ा बड़ा कर दो, क्लियर। आप चाहते हो तो छोटी सी इमेज भी आ जाए तो आप यहाँ इमेज भी लगा सकते हो, ऐड पर जाओ कि जो आइटम निकल ली उसकी इमेज भी आ जाए हाथों हाथ। तो आप यहाँ पर क्या सिलेक्ट कर लो, डाटा, और यहाँ क्या ले लो,
वही तो ले रहा हूँ आपके सामने। हाँ डाटा फील्ड, मैं बताया मैंने डाटा फील्ड इसलिए कि हर बार आइटम की इमेज चेंज हो आइटम के नेम के हिसाब से, अदरवाइज क्या है वो एक ही आइटम फिक्स रहेगी। यहाँ कहीं दिख रहा है आइटम इमेज? वैसे आइटम इमेज का होना चाहिए, अच्छा टॉपिक है वैसे वो। चलो कोई नहीं, हम क्या ले लेते हैं इमेज अदर, और हमारे पास कहाँ इमेज पड़ी है? ये पड़ी है, ठीक है आगे इमेज, ठीक है साइज को हल्का सा बढ़ा कर, ठीक है और क्या कर दो इसको सेव, फिर क्या कर दो सेव कर दो, और क्या कर दो कोई। अब दो चीज़ें, या तो बार कोड मैं परचेस करते वक्त निकाल लूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं बारकोड जैसे बिल को पर्ची सेव करूं मेरा बारकोड भी निकल जाए, तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे? वाउचर के अंदर, परचेज के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ से एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रिंट आइटम बारकोड आफ्टर सेविंग। इसे क्या कर दो आप यस कर दो, जैसे आप इसे यस करोगे उसके बाद आप जो भी नेक्स्ट बिल को ऑन करोगे सेव होने के तुरंत बाद आएगा बारकोड प्रिंटिंग यस, अगेन वही मैसेज, और जैसे ही करोगे सब आइटम आगे, उसके बाद को ओके पर क्लिक करना है और प्रीव्यू कर देना, जो भी आपने बारकोड बनाया हो वो आ जाएगा। देखिए डिकॉय नैरो शर्ट कलर रेड रोल नंबर 1 साइज 1, ठीक है देखिए चेंज हो रहा है बारकोड नंबर भी नीचे चेंज हो रहा है, ठीक है कोई दिक्कत? अरे देखिए दिस इज इमेज का मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि बीजी कहता है कि अगर आप बारकोड सिस्टम यूज़ कर रहे हो और आपका बीजी ओरिजिनल नहीं है तो आपको क्या शो करेगा? दिस इज इन इमेज, ठीक है डेमो मोड, अगर ओरिजिनल होगा तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ये बीजी की अपनी कॉन्फ़िगरेशन है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। क्लियर सर? आपने बारकोड का पूरा प्रोसेस बता दिया, सब कुछ बता दिया, बेनिफिट अभी तक नहीं समझ आया। चलो समझ आता है कि सामने वाला बंदा आता है प्रोडक्ट को उठाता है और चेक करता है, अच्छा भैया 10 रुपये रेट है, ये प्रोडक्ट है, ये साइज़ है, ये कलर है, ये इंच है, ये सब कुछ है इसके अंदर। क्लियर? लेकिन सर इसका और भी तो बेनिफिट बनाइए। आप मॉल गए, वो क्या करता है उसके पास एक गन होती है जिसे स्कैन मशीन बोलते हैं या स्कैनिंग मशीन बोलते हैं, वो मशीन रखता है क्लिक करता है और बिल आपका तुरंत कट जाता है। पता है वो क्या करता है? वो बारकोड को पिक करता है। किसको पिक करता है? वो हर जगह नहीं करता क्लिक, वो बारकोड पे क्लिक करता है। आप ध्यान देना, वो उस जगह क्लिक करेगा जहाँ बारकोड का आइकन हो, ऐसा नहीं कहीं भी क्लिक कर देता है वो अपने आप हो जाता है। क्लियर? ये आपने सीख लिया। दूसरा, इसका स्टॉक अलग से मेंटेन होता है। आप पैरामीटर्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पे एक टॉपिक होता है जिसका नाम है BCN वाइज क्लोजिंग स्टॉक, जैसे ही करोगे आपको यहाँ शो हो जाएगा कितनी पीस हैं, 10 पीस, कितना स्टॉक BCN, कितना ये, कितना ये, कितना ये, कितना। क्लियर? अभी तो हमने बारकोड के बारे में सीखा, नेक्स्ट जो क्लास होगी बारकोड को किस तरीके से स्कैन मशीन से पिक करना है वो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इसमें किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू है? बिल्कुल करेगा, माइनस कर देगा।